आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMG न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यूपी के मैनपुरी में इस संगीन वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा के दो घर दरिंदों ने अस्मक लूट ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को भी दबोच लिया है। एक की तलाश जारी है। पूरा मामला मैनपुर के थाना किशनी क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा को दो युवक समोसे दिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर लेकर गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा ने बताया कि वो 24 जुलाई को स्कूल जा रही थी, तभी परिचित के दो युवकों ने अपनी बाइक पर बैठा कर स्कूल छोड़ने को कहा। लड़की उनसे परिचित थी तो वो मोटरसाइकिल पर बैठ गई। युवकों ने बाइक को दूसरे गाँव की तरफ मोड़ दिया तो पीड़िता द्वारा पूछे जाने पर पास के गांव से समोसे खरीदने की बात कही। आरोप है कि युवक उसे 5 किलोमीटर दूर ले गए और एक कमरे में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब छात्रा ने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। घर पहुंचने के बाद छात्रा ने सारी बात अपने परिजनों को बताई। उसके बाद परिजन नाबालिग छात्रा को लेकर थाने आए और आरोपी अंशुल और उसका साथी मोहित निवासी परेंजी के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को भी दबोच लिया है। दूसरे की तलाश जारी है। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ, मैं कॉलेज गए थे, बैग रख के आई तो इन्होंने, दो लोग खड़े थे सड़क पे, इन्होंने कहा यहाँ आओ, मैं चली गई तो इन्होंने कही तुमको शमशेरगंज चलो समोसे खवाएंगे, पर ये शमशेरगंज नहीं, मुझे ले गए चंद्रपुर ले गए। इन्होंने मेरे साथ गलत काम किए दोनों लोगों ने। इसकी शिकायत आपने पुलिस में की? हाँ जी। कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ अभी तक? कहाँ के निवासी थे दोनों ये, आपने पहचान लिया है? हाँ। कहाँ के निवासी थे? फरंजी के। और दूसरा? एक फरंजी का, एक दूसरा कहाँ का है? लेगांव का है। लेगांव का है। तो मैंने पहले से जानती थी? हाँ। हमको मालूम तब हुआ है, तीसरे दिन लड़की को मैंने हाल देखा तो मैंने पूछा, तो उसने बताया उसके साथ गलत कार्य किया गया है। आपने थाने में उसकी शिकायत की? शिकायत जब मेरे को जानकारी हुई तब मैं तुरंत थाने। आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।